हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज है 11वीं हिंदी मीडियम की भौतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय का टॉपिक है अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। मतलब बहुत ही जो दूरी कम दूरी का जो मापन है या अणु का आकार ज्ञात करना। ठीक है, अणु का जो आकार है यानी कि जो एक तरह से दूरी का मात्रक है बहुत ही छोटी इकाई के रूप में, ठीक है, तो उसका मापन करेंगे। जो सूक्ष्म दूरी होती है, बहुत ही छोटी दूरियां होती हैं, उनका मापन हम कैसे करें। देखो, अणुओं का जो आकार है ये जिनका व्यास है वो ऐसे हमारे साधारण पैमाने और यंत्रों से ज्ञात किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इनकी अलग अलग क्षमता होती है। जैसे पैमानिक क्षमता क्या थी, 1 mm से लेकर के 100 मीटर तक पैमाना, ठीक है, और उसके बाद स्क्रू गेज की कुछ लिमिट है और इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर की लिमिट है। लेकिन दो ये कहीं कहीं जो दूरी होती है इतनी सूक्ष्म होती है कि वहां पर स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है और पैमाना है, इस सारे के सारे जो यंत्र हैं वो फेल होते हैं। तो लास्ट में हम ये करते हैं कि अति सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे अति सूक्ष्म दूरियों का मापन करने हेतु ओलिक अम्ल विधि। ठीक है, कौन सी विधि से करेंगे हम इसका, ओलिक अम्ल विधि, या इसको कह सकते हैं ओलिक एसिड मेथड। क्योंकि देखो इसके अंदर क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जैसे प्रकाश है तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो होती है लाइट की, वो क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, 7000 एंगस्ट्रम। अभी एंगस्ट्रम क्या है, एंगस्ट्रम होता है 10^-10 मीटर। 10^-10 मीटर। देखो वैसे आपको पता होगा कि 10^-3 मीटर को हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। 10^-6 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोमीटर कहते हैं। 10^-9 मीटर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं, माइक्रोमीटर नैनोमीटर। 10^-12 को क्या कहते हैं, पिकोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिकोमीटर। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में जो रेंज है 10^-10, 10^-10 का मतलब है कि 1 मीटर का 10 यानी कि 1/10 मीटर। मीटर का कितना हिस्सा है, 10^10 यानी कि 10^0 एक के सामने लगाएं और उसका फिर मीटर के अंदर भाग दे उतना हिस्सा, ठीक है, वो क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। तो ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य है, उसका एक परिसर है। ये क्या है, उसका परिसर। परिसर का मतलब रेंज, कि ये इसकी न्यूनतम मान है उसका तरंग दैर्ध्य का और ये इसका अधिकतम मान होता है, ठीक है। प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग, देखो पहले ये सामान्य जानकारी बता रहे हैं हम, फिर बताएंगे ओलिक अम्ल विधि। प्रकाश का जो वेग होता है यानी कि जिस स्पीड से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है वो होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में आता है 3×10^8 मीटर, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश का वेग, क्या होता है, प्रकाश का वेग। इसी तरीके से 10^-10 को क्या है, एंगस्ट्रम है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे ओलिक अम्ल विधि, यानी कि ओलिक अम्ल जो है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ओलिक अम्ल बताएंगे और वो सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे करता है, ये तो सामान्य जानकारी आती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ओलिक अम्ल की डेफिनेशन क्या होगी, ओलिक अम्ल का परिचय क्या होगा। ओलिक जो अम्ल है वो क्या होगा, साबुन के झाग जैसा द्रव्य होता है। क्या क्या होता है, सोपी लिक्विड होता है। साबुन की झाग जैसा क्या होता है, द्रव्य होता है, और जिसका जो परिसर है, जिसकी जो कोटी है, जिसका साइज है, वो 10^-9 मीटर होता है,
ठीक है। यह क्या है लिख देंगे, यह साबुन के झाग के जैसा द्रव है, या इसको साबुन के साबुनी द्रव कहते हैं, सोपी लिक्विड साबुनी द्रव, ठीक है। ये क्या है, साबुनी द्रव है, जिसके अणु का आकार, क्योंकि द्रव है अणुओं से मिलकर बना है, तो क्या है, सबसे पहले देखो सबसे छोटी का परमाणु से मिलकर बना, अणु से मिलकर बना, तत्व से मिलकर बना, क्या यौगिकों से मिलकर मिश्रण, फिर पदार्थ बनता है, तो ये अम्ल है, ये पदार्थ है, तो इसके अणु की कोटि, जिसका अणु का आकार 10^-9 मीटर होता है। अब ये आकार मतलब, अब कौशल आकार का मतलब ये इसके व्यास होता है, यानी कि जो कण है उसका क्या होता है, व्यास। किसी भी आप स्पेरिकल जैसे बूंद है तो हम जो उसका साइज मेंटेन करते हैं तो उसका व्यास बोला जाता है, मतलब व्यास से उसकी क्या मापन करते हैं, ठीक है। तो ओलिक अम्ल क्या है, यह साबुनी द्रव है जिसके अणु का आकार कितना है, 10^-9 मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, इस विधि का जो मूल आधार है जल के पृष्ठ पर ओलिक अम्ल की एकाणुविक परत बनाना है, ठीक है। ये क्या करता है कि इसका जो आधार है जल के पृष्ठ पर जो सतह होती है, इसका जो आधार है, इस विधि का मूल आधार मतलब काम क्या है इसका, जल की सतह पर एक आणविक का मतलब है जिसके अंदर केवल एक ही अणु की परत जमे, भाई जल का पृष्ठ है उस पर जो लेयर आएगी, जो परत जमी होगी उसमें केवल एक ही अणु होगा, तो वो इसका काम होता है। जल की सतह पर एक आणविक परत का बनाना होता है, ठीक है, इसका काम है परत का बनाना, ठीक है। अब देखो काम में कैसे लेते हैं इसको, ये तो इसका आधार हो गया, ये इसका काम हो गया। अब सबसे पहले हम इस विधि को जो स्टार्टिंग करते क्या है, इसमें सबसे पहले एक सेंटीमीटर क्यूब यानी आयतन है, ओलिक अम्ल को एल्कोहल के घोल में 20 सेंटीमीटर घोल बनाते हैं, ठीक है। एल्कोहल में घोल करके कितना बनाते हैं, 20 सेंटीमीटर घोल बनाते हैं। अब चालू होती है विधि, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए दिख रहा हूं मैं विधि, सबसे पहले एक सेंटीमीटर क्यूब इनका आयतन है ओलिक अम्ल का, ओलिक अम्ल को एल्कोहल में घोलकर 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल बनाते हैं या विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशन होता है विलयन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक सेंटीमीटर क्या है ओलिक, और फिर उसमें एल्कोहल में घोल दिया तो वो कितना बन गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब अपना क्या बन गया, घोल बन गया, ठीक है। अब इस घोल का एक सेंटीमीटर क्यूब लेकर एल्कोहल में पुनः, इस घोल का एक सेंटीमीटर क्यूब लिया, इसका 20 सेंटीमीटर का एक सेंटीमीटर घोल लिया, पुनः एल्कोहल में घोल बनाते हैं, ठीक है। अब इस देखो दूसरा पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है स्टार्टिंग, ये दूसरा पॉइंट ये है, इस घोल का घोल कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस घोल का एक सेंटीमीटर क्यूब जो पार्ट है भाग है पुनः 20 सेंटीमीटर क्यूब घोल में मिलाते हैं, ठीक है। तथा तनु विलयन का निर्माण करते हैं,
आपको ये समझ में वर्ड आए तनु। तनु का मतलब क्या होता है? देखिए विलय प्लस विलायक बराबर विलियन, क्या बनता है? विलय प्लस विलायक बराबर विलियन। विलय क्या होता है? जिसको घोला जाता है, ठीक है, जिस पदार्थ को घोला जाता है वो विलय, यानी कम मात्रा। विलायक जिसमें घोला जाता है, जैसे आप नमक में, जो नमक को पानी में डाल रहे हो तो पानी में घोल रहे हो तो पानी तो क्या हुआ? विलायक। और नमक क्या है? विलय। नमक और पानी जो मिलकर के क्या बनता है? विलयन। तो विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, विलायक की तुलना में विलय की मात्रा अत्यंत कम हो तो उसको कहते हैं तनु विलयन, ठीक है। अगर विलायक की तुलना में तनु यानी कि जो विलय है उसकी मात्रा भी कुछ ज्यादा ही है, मतलब गाढ़ापन है, तो उसको कहेंगे सांद्र विलयन। क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। लेकिन यहां पे कौन सी कंडीशन है? तनु विलयन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये विधि है। उसके बाद देखो, उसके बाद अणु के जो जो मोटाई है करने के बाद, देखो यहां पे तो तत्पश्चात यह घोल, जिस अणु का आकार आपको नापना है, जिस अणु का आकार आपको नापना है उसके घोल की एक बूंद डालते हैं, ठीक है। लाइकोपोडियम पाउडर आता है वो छिड़कते हैं इस पे, और लाइकोपोडियम पाउडर की एक पतली फिल्म जल के ऊपर जमा हो जाती है, ठीक है। तो तत्पश्चात लाइकोपोडियम, देखो आज आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये केमिकल फिजिक्स है, ये कौन सी है? अणु का आकार तो एक तरह से केमिकल फिजिक्स है। तो तत्पश्चात लाइकोपोडियम पाउडर की एक बूंद डालते हैं, और लाइकोपोडियम पाउडर की एक बूंद डालते ही अब इसके जो जल पृष्ठ है, जल पृष्ठ पर एक परत जमा होती है और उस परत का नाम ही होता है एकाणुविक परत, ठीक है। बूंद डालते ही क्या होता है? परिणामतः जल पृष्ठ पर क्या होता है? एक आणविक परत जमा हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है? एक आणविक परत जमा हो जाती है। अब इसमें ये देखिए, सबसे पहले क्या किया था? ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल क्या है? यह साबुनी द्रव है जिसके अणु का आकार 10^-9 मीटर है। इस विधि का मूल आधार, मतलब मेन काम क्या है जो हम काम लेते हैं? जल की सतह पर एक आणविक परत का बनाना होता है, ठीक है। इस घोल का 1 cm³, किसका? सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करते हैं? 1 cm³ ओलिक अम्ल को घोल बनाते हैं 20 cm, यानी कि एल्कोहल में डालने के बाद जो घोल बनता है वो आता है हमारा 20 cm³, ऐसा बोलेंगे, यानी कि 1 cm³ ओलिक अम्ल होगा और 19 cm³ एल्कोहल होगा, तो कितना बन जाएगा घोल हमारा? 20 cm³ घोल बनाते हैं। इस घोल का वापस से एक जो 1/20 हिस्सा, मतलब 1 cm भाग पुनः 20 cm घोल में मिलाते हैं तथा तनु विलयन का निर्माण करते हैं। तनु का मतलब हमने समझा दिया। तत्पश्चात लाइकोपोडियम पाउडर की एक बूंद डालते हैं, परिणामतः क्या बन जाता है? इसके ऊपर जल की सतह पर एक आणविक परत जमा होती है, और जो परत जमा होती है वो क्या होती है? एक तरह से अणु की मोटाई, वही क्या होती है? अणु की मोटाई। तो देखिए अब इसका जो मैथमेटिकल भाग क्या होगा, वो परत है, परत का ही मापन हमें करना है, परत का मापन करना है। देखो माना एक बूंद का आयतन क्या है? कैपिटल वी। इसलिए n बूंदों वाले घोल का आयतन क्या होगा भाई? एक बूंद का ही जो आयतन है v है, तो n बूंदों का जो आयतन क्या होगा?
एन बूंदों का जो घोल है उसका आयतन क्या होगा, एन इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ओलिक अम्ल का आयतन क्या होगा, समझिए ओलिक अम्ल का आयतन, ओलिक अम्ल का आयतन, ओलिक अम्ल का आयतन क्या होगा, टोटल कुल घोल में दिए हैं। अब उसमें देखो एक बटा बीस डाला था पहले, क्या है 20 के अंदर एक सेंटीमीटर डाला था तो लग जाएगा 20 का भाग, पुनः हमने क्या किया था एक सेंटीमीटर पुनः लिया था यानी कि 20 का भाग हो जाएगा, तो एन वी का क्या होगा 1/20 भाग, ये क्या हो जाएगा 1/20 भाग डालना शुरुआत में, फिर दोबारा क्या है एक सेंटीमीटर ला तो वो भी 1/20 हो गया, भाई एक सेंटीमीटर क्या है पूरे घोल का 1/20 भाग है, तो 1/20 पहले डाला था 1/20 वापस जो तनु किया था वो, तो ये क्या हो जाएगा इसका जो मान है होगा एन वी अपॉन 20 × 20 20 × 20 ये आयतन किसका आएगा, ये किसका आयतन आएगा, ये आयतन आएगा ओलिक अम्ल का। ठीक है, देखो ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि आयतन है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा और ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये आयतन कितना होगा इसका सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आप देखो जैसे जो परत जमा होती है, फिल्म जमा, फिल्म का मतलब जो ऊपर जो लेयर होती है उसको फिल्म बोलते हैं, पपड़ी। ठीक है, तो जो पपड़ी कहते हैं देसी भाषा में फिल्म को, जैसे फिल्म का जो आयतन होता है, फिल्म का आयतन जैसे आपने पढ़ा है घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। अगर हम लंबाई गुना चौड़ाई को अलग करें, ये तो आयतन होता है, तो h का मान निकालना मान लो, तो ये जो गुणा में है n गुणा b वो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा भाग में। तो जो जो आयतन है इसका वो है कितना, वो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, फिल्म का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, या यहां पे कर रहे हैं काम मोटाई का। ठीक है, आयतन जैसे मान लीजिए v होता है, पहले समझिए देखिए, जैसे v बराबर n इंटू b इंटू एच है, तो h मोटाई का काम कर रही है, ये यहां से यहां तक का क्षेत्रफल है, यहां तक का क्या है ये क्षेत्रफल है। अगर हम h का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा v अपॉन l इंटू b, यानी कि आयतन के अंदर भाग किसका लग जाता है क्षेत्रफल का। सेम इसी तरीके से हम करेंगे कि जो मोटाई है फिल्म की, मोटाई फिल्म की जो मोटाई है, अब यहां पे मोटाई को टी से डिनोट कर रहे हैं, टी का मतलब है थिकनेस, टी फोर थिकनेस, थिकनेस किसे कहते हैं मोटाई को, तो आयतन में, आयतन में भाग लग जाएगा फिल्म का आयतन बटा फिल्म का क्षेत्रफल, फिल्म का आयतन बटा फिल्म का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आयतन आपके पास में है, ठीक है, क्षेत्रफल मान लिया ए है, क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने ए, ठीक है, तो ए क्षेत्रफल मान लिया, तो आयतन तो दे रखा है कितना n इंटू वी अपॉन 20 × 20, और जो क्षेत्रफल अगर दे रखा है तो फिल्म का क्षेत्रफल हमने मान लिया, ये तो वी था वी, ये तो हो गया टोटल एन वी, और ये मान लिया ए, तो ये आ जाएगा मान, फिल्म की मोटाई हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो मोटाई का जो मान आता है वो आता है 10⁻⁹ मीटर, कितना आता है 10⁻⁹ मीटर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो एक आणविक मोटाई है जो स्मॉल टी है वो ओलिक अम्ल की अणु की लंबाई या व्यास बन जाता है। ठीक है, वो क्या है ओलिक अम्ल की मोटाई है, ये फिल्म का आयतन, तो ओलिक अम्ल की फिल्म है एक तरह से, तो ओलिक अम्ल की मोटाई इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये है ओलिक अम्ल विधि। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखिए पहले, तो ओवरऑल आपको ये फॉर्मूला याद करना है जो t इक्वल टू ये वाला, न्यूमेरिकल दे रखा हुआ इसमें बुक में, न्यूमेरिकल है 2.5,
कौन सा है 2.5। तो 2.5 में जो न्यूमेरिकल है उसमें दे रखा है यदि किसी नाभिक का अमाप, अमाप का मतलब होता है लंबाई, एक तरह से रेंज या व्यास बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो दे रखा है 10 की घात, देखो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, यदि किसी नाभिक नाभिक का व्यास, यहां पे क्या बात करें अमाप का मतलब व्यास, और वो है का जो परिसर है, व्यास का क्या रखा है परिसर, परिसर परिसर का मतलब स्टार्टिंग से लास्ट, वो दे रखा है इसमें मान 10 की घात माइनस 15 से 10 की घात माइनस के 14 मीटर से, भाई ये कम है ये ज्यादा है, कभी कह रहे हो ये कम है, ये देखो ये ज्यादा का भाग लग रहा है इसमें, कम का भाग लग रहा है, ठीक है, ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है, तो इतना परिसर है, उसको बढ़ाकर इसमें लिखा है उसको बढ़ा दिया जाता है तो परमाणु का लगभग व्यास क्या आएगा, ठीक है, और बढ़ा कितना दिया जाता है, वो कह रहा है कि 10 की घात माइनस 5 से 10, यानी कि कह रहा है कि का परिसर है और उसको बढ़ा दिया जाए, को बढ़ाकर, को बढ़ाकर 10 की घात माइनस 5 से और 10 की घात माइनस 4 मीटर कर दिया जाता है, करें तो परमाणु का जो परमाणु है उसका व्यास क्या होगा, परमाणु का व्यास क्या होगा, देखो जब इसका परिसर ही बढ़ जाएगा तो देखिए परिसर किस अनुपात में बढ़ रहा है, तो उसी अनुपात में परमाणु का आकार भी बढ़ जाएगा, परिसर पहले कितना था 10 की घात माइनस के 5, उसके स्थान पर कितना माइनस के 15 और उसके स्थान पर कितना आ गया माइनस के 5, 10 की घात माइनस 14 की जगह कौन आ गया 10 की घात माइनस 4 बढ़ा करके, ठीक है, तो परमाणु का आकार क्या है, देखो भाई 10 की घात माइनस के 15 को 10 से एक तरह से कितना गुणा बढ़ेगा, एक तरह से ये 10 की घात 10 जब भी तो जाके आपका आ जाएगा, और 10 की घात माइनस 14 को 10 की घात 10 से गुणा करें जब भी तो जाके आपका ये आएगा, मतलब कितना गुणा बढ़ गया ये 10 की घात 10 बढ़ गया, 10 की घात 10 गुणा बढ़ गया, तो परमाणु का आकार भी कितना गुणा बढ़ जाएगा 10 की घात 10 गुणा बढ़ जाएगा, तो परमाणु का व्यास लिख देंगे क्या होगा 10 की घात 10 गुणा ज्यादा होगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, आ रहा है समझ में भाई, नाभिक का व्यास का परिसर ये है, ठीक है, जब नाभिक का व्यास जिस हिसाब से बढ़ेगा क्योंकि तो सेंटर पॉइंट होता है, तो जिस अनुपात के साथ बढ़ेगा उस अनुपात के साथ ही परमाणु बढ़ जाएगा, परमाणु का जो सेंटर पार्ट होता है नाभिक, ठीक है, तो ये इसका न्यूमेरिकल था, तो ये थी ओलिक अम्ल विधि। उसके बाद देखो, उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है प्रकाश वर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे यूनिट दे रखे एक आइंस्टीन जैसे हमने बता ही दिया, एक फर्मी आता है इसमें फर्मी, तो एक फर्मी जैसे ये भी यूनिट होती है फर्मी, तो फर्मी होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर, और एक एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम ए डिग्री, ये ए डिग्री जीरो बोल देते हैं या इसको हम एक एंगस्ट्रम बोलते हैं, एंगस्ट्रम वन एंगस्ट्रम, तो एक एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम्स, तो वो होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर, ठीक है, ये है यूनिट। अच्छा उसके बाद ही इसमें आया है खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है, दो इसमें टॉपिक है, एक तो है खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, इसको कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या कहेंगे इसको एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रो का मतलब क्या है खगोल पिंड, एस्ट्रो मतलब तारे, एस्ट्रोफिजिक्स तारा भौतिकी की, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये है क्या कहते हैं इसको, सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी होती है वो क्या कहलाती है,
खगोलीय मात्रा, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखता है एयू को, क्या लिखते हैं इसको एयू, और वो होती है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, वो क्या कहलाती है खगोलीय मात्रक कहलाती है। और एक जो एयू होता है, उसका जो मान है वो फिक्स है, वो है इसमें 1.496 गुणा 10^-11 और मीटर, ये है ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है प्रकाश वर्ष, क्या है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिशन में जीके के अंदर जनरल साइंस में भी एक टॉपिक है, जीके में भी आता है ये। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के वेग से प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, वो क्या कहलाती है प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, यानी कि प्रकाश का वेग यानी कि 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है मीटर प्रति सेकंड द्वारा, ये तो प्रति सेकंड होगा, 1 सेकंड की बात कर रहा है, यानी कि द्वारा 1 सेकंड, यानी एक मिनट लिख भी रहा हूं मैं, 1 सेकंड में एक वर्ष में तय दूरी क्या होती है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, बराबर एक प्रकाश वर्ष, क्या कहलाएगा वो एक प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष की तय दूरी हो जाएगी, तो ठीक है, प्रकाश के वेग द्वारा 1 सेकंड में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या होती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है। तो ये था इसके अंदर प्रकाश वर्ष। अच्छा, उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारसेक। पारसेक क्या होता है, पारसेक वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या का कोण आर्क सेकंड बने, मतलब एक सेकंड में कोण बने, उसके जो अंतरित कोण है वो सेकंड में बने, तो वो क्या कहलाता है, एक पारसेक कहलाता है। तो देखिए पारसेक क्या होगा, पारसेक यदि पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्याओं के मध्य 1 सेकंड, यहां पर लिख देंगे 1 सेकंड, ये सेकंड का चिन्ह होता है डबल डैश, 1 सेकंड का कोण जिसे बताया था ना पैरेलेक्स कोण, ठीक है, जैसे बताया था लंबन कोण, तो का लंबन कोण बने, तो जो दूरी होगी वो क्या है, तो दूरी एक पारसेक कहलाती है, ठीक है। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये नोट कर लेना, ठीक है, ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना कि एक फर्मी क्या होता है, एक एंगस्ट्रम क्या होता है, एक एयू क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक पारसेक क्या होता है, ये सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे द्रव्यमान का मापन, ये तो क्या है लंबाई, क्योंकि लंबाई बहुत छोटे हिस्से में, जैसे बाल का व्यास पूछ ले, ठीक है, तो बहुत ही सूक्ष्म लंबाई को भी हम नाप सकते हैं, किसकी विधि से, ओलिक अम्ल विधि से, ठीक है, यह पूरी विधि बताई आपको, ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो।